अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल ज़मीर ऑनलाइन सीखना डॉट कॉम की जानिब से। इस क्लास में बात करेंगे ब्लॉगर की सेटिंग आप कैसे कर सकते हैं, और ये हमारी ब्लॉगर की ट्रेनिंग जारी है और ये आई थिंक कुछ वीडियोस बाकी हैं, इंशाल्लाह ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कुछ टिप्स मैं आपको दूँगा ब्लॉगर के हवाले से कि ब्लॉगर को कैसे आप मज़ीद भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं, वो बताऊँगा। और उसके बाद मैं एक और कोर्स बना रहा हूँ SEO के वाले से कि ब्लॉगर की SEO आप कैसे कर सकते हैं, किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए, आप कैसे ब्लॉगर को टॉप पर ला सकते हैं और कैसे अर्निंग कर सकते हैं उस ब्लॉग से। ठीक है, तो ये थी मेरे पास ओपन। अब मैं सेटिंग पर बात करूँगा, ये सेटिंग मैं कंप्लीट आपको नहीं समझाऊँगा। ठीक है, ये कुछ सेटिंग के ऑप्शन जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ, और उसके बाद जो बाकी सेटिंग होगी कुछ, ठीक है, वो SEO के वाले से है, वो मैं इंशाल्लाह ऐसी कोर्स में आपको डिटेल के साथ बताऊँगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये देखें कि सेटिंग पर जैसे आप क्लिक करें तो ये बेसिक ओपन हो जाता है। ठीक है, बेसिक पर आप ये देखें कि आपका जो टाइटल है वो क्या है, ये SEO के वाले से बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो साइट का टाइटल है, जिस चीज़ के बारे में आपकी साइट है उसी को अपने मद्देनजर रखना होता है और उसके मुताबिक आपको टाइटल देना होता है। लर्निंग कंप्यूटर कोर्स मैंने दिया है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि आपका जो ब्लॉग है किस चीज़ के बारे में है। ठीक है, ये फर्स्ट करें कि दिस ब्लॉग इज़ अबाउट टू लर्न बेसिक कंप्यूटर प्रोग्राम्स लाइक फोटोशॉप एंड पेजेस। ठीक है, और कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, मींस के आपको डिस्क्रिप्शन देनी होती है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट देनी हो, सही देनी होती है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर सेव करना होता है। ठीक है, सेव चेंजेस पर करेंगे ये सेव हो जाएगा, तो उसके बाद ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आप ये यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कह रहा है कि ऐड योर ब्लॉग टू आवर लिस्टिंग, इसको आपने यस करना है कि इसकी लिस्टिंग के बाद आपका ब्लॉग चला जाता है। वो कहता है कि लेट सर्च इंजन फाइंड योर ब्लॉग, कि आप सर्च इंजन आपके ब्लॉग को फाइंड करे। हाँ, करे, बिल्कुल करे, ये तो सब कहेंगे। ठीक है, बना भी इसीलिए रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर लिखा हुआ कि लर्निंग कंप्यूटर आपका एड्रेस है। ठीक है, आप एड्रेस को भी तब्दील कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम आपको बताया था ये एड्रेस कुछ और था, मैंने इसको क्या किया, फिर चेंज किया था। ठीक है, उसके बाद आपने इसको नहीं छेड़ना। उसके बाद आप आ जाएँ पोस्ट कमिट एंड शेयरिंग पर आ जाएँ। ठीक है, यहाँ पर कुछ सेटिंग है ये आप इनको भी देख सकते हैं। उसके बाद ये देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ 13। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपकी पोस्ट पर ना ये जो मेन पेज है ना, ये मेन पेज, ठीक है, यहाँ पर टोटल कितनी पोस्ट आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर डिफॉल्ट लिखा हुआ है 13, हम यहाँ पर लिखते हैं कि 5 या 6 आप लिखें। ठीक है, उसके बाद ये कि पोस्ट टेम्पलेट, जैसे आप पोस्ट पर क्लिक करते हैं तो ये बिल्कुल ब्लैंक आ जाता है। जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं ना पोस्ट पर, तो पोस्ट एडिटर जो होता है वहाँ पर ब्लैंक होता है। ठीक है, आपको लिखना पड़ता है। वो कहता है कि आप कुछ लिखें जो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर, जैसे आप क्लिक करेंगे तो फौरन वहाँ पर ये लिखा हुआ होगा। ठीक है, अब इसको पढ़ सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, पोस्ट टेम्पलेट प्री फॉर्मेट होता है। ठीक है, उसके बाद शो केस इमेज विद लाइट बॉक्स, लाइट बॉक्स में नज़र आए आपको इमेज, जो इमेजेस होते हैं, जैसे आप क्लिक करें इस पर तो ये तो पोस्ट है ना, तो ठीक है, ये लाइट बॉक्स में शो हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये यस यहाँ पर हुआ पड़ा है। ठीक है, उसके बाद कमेंट की थोड़ी बहुत सेटिंग है, आप इसको इमेडेड कर सकते हैं, फुल पेज में भी कर सकते हैं, पॉप में भी कर सकते हैं, ये ज़्यादा खूबसूरत ये होता है। ठीक है, इमेडेड। अच्छा, कौन आपको कमेंट करे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्टर, जो रजिस्टर हैं एनी वन भी कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्टर, ठीक है, ठीक है, आपके मेंबर भी कर, ये रजिस्टर वाला सही है। ठीक है, उसके बाद जो कमेंट मॉडरेशन के, कमेंट मॉडरेशन पर आप लगाना चाहते हैं यहाँ पर बाय डिफॉल्ट नेवर। ठीक है, फौरन पब्लिश हो जाए। ठीक है, शो वर्ड वेरिफिकेशन ये भी होनी चाहिए, बैक लिंक इसको हाइड रखना है अपने, और कमेंट फ्रॉम मैसेज यहाँ पर अपना ईमेल भी यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद कि मैसेज के जरिए कमेंट जो होता है। ठीक है, और यहाँ पर और कोई काम की इतनी सेटिंग नहीं है। उसके बाद आप ईमेल पर आ जाएं, ईमेल पर इसको सेव करते हैं। ठीक है, ईमेल पर आ जाएं तो वो कहते हैं पोस्टिंग यूजिंग ईमेल, ईमेल के जरिए आप पोस्टिंग कर सकते हैं, ये इसको डिसेबल किया हुआ है। ठीक है, वो कहते हैं कमेंट नोटिफिकेशन मैन ईमेल। ठीक है, नोटिफिकेशन जो होते हैं आपको इस ईमेल से भी रिसीव हूँ। ठीक है, ईमेल टू पोस्ट, ये बेसिक सेटिंग है बिल्कुल। उसके बाद लैंग्वेज, ये बिल्कुल सिंपल है, आपको इसको ऐसे रहने देना है। ठीक है, सर्च प्रेफरेंस, ये SEO में इंशाल्लाह हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद ये ऑर्डर है, और इसको ये कुछ थोड़ी बहुत सेटिंग थी। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि कुछ सेटिंग जो है मैं आपको ऐसे में बताऊंगा डिटेल के साथ, ये भी आप सेटिंग कर लें तो इंशाल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये सेटिंग के बारे में था। तो कुछ चीज़ें रहती हैं कि वो ये है कि आप ये जो आपका ब्लॉग है ना, तो आप पर यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि एक जो फ्लैग काउंटर होता है वो आप लगा सकते हैं कि विजिटर आपका कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, किस शहर से आ रहे हैं आप, वो भी लगा सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसी पर बात करेंगे। थैंक्स टू वॉचिंग।